एक व्लॉग अपलोड हुआ भी नहीं और दूसरा व्लॉग चालू भी हो चुका है। तो मैंने जैसे कि कहा था आपसे, मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है मुझे, तो अब होपफुली शाम तक आते आते ठीक हो चुकी है मेरी तबीयत। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:30। ब्लॉग अपलोड होने वाला है वर्टेक्स वॉच वाला, जो पहले दिन मैंने ऑर्डर किया है। बैटरी बची 18% मेरी, बाकी वॉच आने वाली है कल। तो मैं आपको, मतलब इसी ब्लॉग में आ रही है ब्लॉग, मतलब वॉच इसी ब्लॉग में आ रही है। तो अभी सुबह होने के बाद, मतलब अभी तो रात हो रही है 29 तारीख की, तो 30 तारीख को होपफुली कल, मतलब कल है सैटरडे, तो आ जाएगी। तो मैं कल मिलता हूँ सुबह सुबह, जल्दी उठने की कोशिश है। फिलहाल अपलोड हो रहा है ब्लॉग, और ऐसे ही रोज़ वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेगी। भगवान से दुआ है कि भगवान हमेशा कोशिश, मतलब अपनी तो कोशिश जारी है, बाकी भगवान साथ दे तो व्लॉग रोज़ अपलोड होते रहे। बाकी प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा साथ दो अपने भाई को, थोड़ा यार प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़ो। एक यूट्यूबर ने, पता नहीं किसने कहा था, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो मकबैंगर है बंदा, नया नया, मतलब वो भी फेमस हुआ है। उस बंदे ने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोली थी कि आप कोशिश करते रहो यूट्यूब पर, मतलब कंटिन्यूटी रखो और कभी भी हार मत मानो, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप निखर के बाहर आओगे सबके सामने। मतलब बस कोशिश जारी रखो, कोशिश से पीछे मत हटो। तो ये बात मेरे से, मतलब मेरे से नहीं, अपनी वीडियो में ये बात द इंडियन मकबैंगर ने बोली थी। मेरे को बहुत अच्छा सा स्टूडियो बनाना है, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सामान हटाऊं क्या ना हटाऊं। कुछ मम्मी का सामान है और कुछ मम्मी का सामान है, कुछ मेरा सामान है, कुछ कबाड़ है, कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ है। तो बहुत कुछ है अभी मेरे कमरे में, तो ये सारा सामान हटाना है और बहुत अच्छा सा स्टूडियो बनाना है, जिससे कि लगे कि भाई प्रोफेशनल यूट्यूबर का कमरा है ये। मतलब कमरा नहीं, स्टूडियो है ये। तो प्रोफेशनल तो नहीं बने हैं, लेकिन बनने की कोशिश तो जारी, मतलब कोशिश तो कर सकते हैं ना पूरी प्रॉपर। तो वही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कितना क्या करूँ। अब सीधा मैं फ्रेंड अपने गौतम के घर पे आया हूँ। ये देखो, ये आपस में लगे पड़े हैं बातचीत करने के। अरे नमस्कार जी, ऐसे दिखता है इसे। तो अब तूने बैक कैमरा कर दिया। हाँ, दिखने वाला। अच्छा, हम नहीं देखे, मतलब इसे ऑन है लेकिन हम देख। हाँ, अब तू दिख रहा है सेल्फी में। इसके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, इस चैनल पे कोई। पहली बात तो ये है कि इस बंदे को मैं कहता हूँ कि रोज यूट्यूब वीडियो डाल, लेकिन ये बंदा वीडियो, अगर तू मेरी हर वीडियो देखेगा ना, डिस्क्रिप्शन खोल के देखेगा ना, इसका तेरा दोनों का चैनल लिंक दिखेगा हर वीडियो पे। हाँ, 3-4 वीडियो ऐसी हो रही है पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया। ये तो बोलू तबे, तुम वीडियो जब बनाओगे नहीं तो तुम भी तो इधर उधर डालोगे, तभी तो कुछ होगा। मैंने दो सीरीज बना रखी है, लाइफ इज स्ट्रेंज के गेम के ऊपर और फ्रीडम फाइटर के ऊपर। आप जाके देखिए, और आपको, मेरे बाल लंबे थे तब, आप जाके मुकुंद सागला पे देखिए। हाँ, ये भी है, पर अगर आप जाके देखें तो आपको मजा आएगा और आप सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाओगे, मुझे पक्का यकीन है। क्या ना, मैं जल्दी YouTube की वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्या उससे पहले मुझे एक रोल मिल चुका है। तो चिकन रोल? चिकन चिकन रोल नहीं, चिकन तो मैं वैसे भी नहीं खाता। अच्छा, लेकिन रोल जो मुझे मिला है वो है एक मूवी में, तो अभी टॉप सीक्रेट है। एक बहुत बड़े स्टार के साथ मैं स्टार कास्ट हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे को बाल बाल बड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड यही है। हाँ, ये तो चल रहा है उसमें। पेपर में आया तो मैं आपको बता दूं वो स्टार कौन है। नहीं देखो, अब तुम नहीं, इसको भी छोटा मोटा रोल दिला देंगे, इन दोनों को वहाँ पे खड़ा कर देंगे, वो जो रेडी लेके जाते लेकिन ना। हाँ, काफी मेन रोल है, मैं मेन हूं, तो इसी चक्कर में अपनी यूट्यूब के अभी फोकस नहीं कर पा रहा, यूट्यूब की वीडियोस पर जल्दी करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज से बेफिक्र रहिए, पैसा बहुत है भाई के पास और नई नई फिल्में मिल रही है हर साल। तो नहीं, पहली फिल्म है, अब देखते हैं, डेब्यू है, टाइम नहीं मिल पा रहा भाई को, डेब्यू में जैसा रहेगा। ये दोनों आपकी फिल्म बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा पहले। नहीं, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, डेब्यू है मेरा, तो विश मी लक फॉर दैट मूवी।
हाँ, अगर कोई देख रहा है तो अगर कोई दूसरी मूवी चाहिए तो हम तीन ही हैं ऐसे, पर ये हम ज्यादा शाली हैं, क्या बोलते थे, प्रभावशाली ज्यादा भूख है, हमारी इंस्पिरेशन है। ये थिएटर भी कर चुके हैं एक साल का, मंडी हाउस से किया हुआ इन्होंने, और काफी नामचीन है। आप गौतम रियल टाइप करके अब जाके मतलब एक रोल मिला, वरना तो अच्छा वो डाइटिंग वाली बात बता, डाइटिंग वाली क्या जो तू कह रहा था, डाइटिंग टिप शेयर करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल से ये बंदा, इसने मेरे ख्याल से एक इंच कमर भी नहीं बढ़ाई है अपनी, जैसा था वैसे का वैसे ही है एक डेढ़ साल पहले, और एक डेढ़ साल पहले हमारा बेड़ा गर्क देखो कैसा हो रखा है, मैं जी का देखो नो हम लोगों का बेड़ा गर्क कैसा हो गया है, लेकिन भाई अभी का अभी वैसे का वैसे, बिना जिम जाए वो भी, तो कैसे करते हैं आप बिना जिम जाए, मैं चाहूंगा कि आप हमारे हम बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक साल पहले से, सीन ये है कि देखो अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो उसके लिए आप दूसरों को बात सुनना छोड़ दो, पहली चीज़ ये सोचो कि आपको वेट लॉस कैसे करना है, आपको जिम से वेट लॉस करना है या फिर आपको घर बैठे भी वेट लॉस हो सकता है। ये मैं आपके सामने एग्जांपल, मैंने कैसे किया, मैंने तो भाई बहुत गलत डाइटिंग की है, पर मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया है। हाँ, जो भी है मतलब हमारा, मैं सुबह क्या होता था कि सुबह कुछ नहीं खाता था, ऑफिस का काम तो होता था, बैठ जाता था 12-12:30 से भूख लगती थी मुझे, तब मैं घर में जो भी खाना या सब्जी बनी है खाली सब्जी लेके हल्की सी कुछ भुजिया वगैरह क्रंच के लिए डाल देता था, वो मैं खा लेता था। फिर रात तक ना मैं कुछ नहीं खाता था, फिर रात को मैं दूध पी लेता था, बस ये मेरी दिन पूरे दिन की डाइट थी। बहुत मुश्किल है, जब मैंने करना शुरू की थी उस वक्त क्या हुआ था कि मेरे को इतनी भूख लगती थी कि मैं रात को चादरें खा लेता था अपनी, मतलब घर में खाना था। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, एक दिन मेरे घर में पिज्ज़ा आया, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं ये खा लूँ मुझे फील हो अच्छा लगेगा, वो पेट भर जाएगा, पर मुझे गिल्टी महसूस होती थी खाने के बाद। तो जिस दिन मेरे घर में चीज़ आई मैंने खाना, मैंने नहीं खाया उस चीज़ को, तो उस दिन से क्या हुआ कि मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, नहीं खाऊंगा। तो एक बहुत दिन हुआ, 3-4 दिन तक ये चीज़ बात चली, उसके बाद जब मैंने खाना छोड़ दिया तो मेरे पेट ने मांगना भी छोड़ दिया। और अब मैं ये क्या कहता हूँ कि पूरा हफ्ता मत करो, अगर तुम पूरा हफ्ता करोगे तो माइंड, पेट जो अपना उसका माइंड बड़ा शार्प है, वो तुम्हारी डाइट उसी हिसाब से बना देगा और तुम्हारी साइकोलॉजी भी ऐसी हो जाएगी, फिर तुम मोटे हो जाओगे तब भी। तुम ऐसा करो 6 दिन अपना डाइट फॉलो करो, और एक दिन जो होता है ना सैटरडे या संडे या दोनों ही दिन तुम अनशन खाओ दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा क्या है, पेट में क्या होगा, एक तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाएगा, ऊपर से बाकी 6 दिन तुम्हारी डाइट भी हो जाएगी, तो तुम अपने आप ही पतले हो जाओगे। जब पेट को कार्ब्स नहीं मिलेंगे तो वो तुम्हारे फाइबर से कार्ब्स निकालना शुरू कर देगा एनर्जी के लिए। दूसरी चीज ये है कि पॉज कर दीजिए तुम्हें, नहीं नहीं चल रही है, दूसरी चीज एक चीज बता, एक चीज बस ये है, पहले करने देना फिर एक बार मेरे को ठीक है, वो सुन रहे हैं सब बोल बोल तो बस बोल। एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है ना, और आप एक कटोरी दाल में नहीं हो रहे, सबसे बढ़िया है ओट्स ला के रखो अपने घर में। ओट्स से क्या है, आपका इतना सा ओट्स पेट भर देगा और वो फाइबर से भरपूर है, आप इतना से खाओगे पेट भर जाएगा आपका, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। सिंपल ओट्स या मसाला ओट्स, तो इसी चीज के मसाला बनाओ, सिंपल बनाओ तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप तो पतले हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको दो दोस्त का बेड़ा गर्क करना पड़ेगा, तो दो दोस्त हमारे जैसे होने चाहिए, ये दो क्या है ना, जैसे आप तो एक ही दिन खाओगे तो आपको आना पड़ेगा किसी ना किसी के पास खाने के लिए, तो ऐसे चूज दोस्त अपने चूज कीजिए जिनका पेट बढ़ा, जिनका बढ़ा रहे मरन तो बढ़ाए पेट अपना। लेकिन नहीं, ये चीज तो मैं इससे कल सीखी है मैंने कि भैया अगर पतला होना है तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी करूंगा यार, ये चीज ठीक है। जो अभी हमने ऑर्डर करा है वो सिर्फ हम दोनों खाएंगे। अरे बकवास नहीं, 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 आज आज सैटरडे है ना, ये तो चीज होगी आज के हफ्ते में, एक दिन चीट डे पहली कर लेते हैं उसके बाद। हाँ, तो मतलब एक देखो, एक दिन तो इसने भी बोल दिया कि खा सकते हो, वो एक दिन तो होता है कि देखो मैं बताता हूँ, सबसे बढ़िया डाइट रखो जो मिले खा लो, ये होता है बेड़ा गर्क कर लो अपना, कोई दिक्कत, कैमरा बंद कर दिया, अच्छा कैमरा कर दिया, बेड़ा गर्क कर लो अपना खा खा के। जिस दिन बीमार पड़ोगे ना उस दिन खुद ही अपने आप ही सब छोड़ दोगे, जैसे बीच में मैंने छोड़ रखा था काफी टाइम। और ये जवानी में आपको तकलीफ नहीं आती जब आप मोटे होते हो, पर जब आपकी एज 30 क्रॉस कर जाती है ना, उसके बाद ना जो आपकी बीमारी होगी वो आधी तो मोटापे से लगती है, तो अभी से सुधर जाओगे तो बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी आपके ऊपर है, जैसे कि इन्होंने मेरे को सुधारा है, आज मैं शनिवार को खाऊंगा बस, उसके बाद नहीं खाऊंगा। देखो ये सब तो अपनी बातें करते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो खाना है आप खाइए, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, आपका जीवन है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका वाहन है, आप जितना मर्जी पेट्रोल डालिए या ना डालिए, गाड़ी चलानी है चलाइए वरना मत चलाइए। नहीं पेट्रोल तो फिर भी ठीक है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर जितना ज़्यादा उतना फायदे रहता है, कहीं पे भी जा सकता है बंदा, लेकिन पेट में जितनी खुराक है उससे कम ही घुसाओ। सही कह रहे दोनों, चलिए बताते रहेंगे ऐसी बीच बीच में और खबरें। हाँ, और इसके सब्सक्राइब करिए, लड़का बहुत मेहनती है,
जब भी बुलाओ, जब भी कुछ करवाओ, नीचे तो लाइक का बटन आ रहा होगा, जरूर दबाइएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर मत भी करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, और वॉचिंग आवर्स बढ़ाओ भाई इसके, ये मैं गारंटी देता हूं। हम भी आते रहेंगे। और हाँ, और अभी क्या होने वाला है कि हम मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उस पे भी जाइए, एक बार चैनल को जरूर जाके देखो, मुकुंद सांकला को जरूर जाके देखो, उसमें गेम प्ले है डले हुए, देखो जाके तुम्हें। और मेरे वाले पे गेम प्ले नहीं है, लेकिन आएंगे, एक बार मेरी मूवी का शूट कंप्लीट हो जाए मैं डालूंगा। इन्होंने GTA 5 का शुरू कर रखा है, दोनों आ रहे हो, दोनों आ रहे हो, टाइम नहीं मिलता, फिर भी इन्होंने एक दो वीडियो डाली और काफी फनी है, आप जाके देखो, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। दूसरी चीज ये कि मेरा चैनल जो है उस पर क्या गेम प्ले लाइफ इन स्ट्रेंज किसी ने बना के डाली, मैंने गेम प्ले डाला, आप देखोगे वो इतनी तगड़ी गेम है, उसकी स्टोरी इतनी लाइन अच्छी है, मैं उसके साथ चला हूँ पूरा, स्टोरी के साथ पूरी मैंने फॉलो की है स्टोरी को, तो जरूर जाके देखो। और डाइट पर कंट्रोल रखो यार, तुम्हारा शरीर है, पता है कल के दिन ना तुम्हें ही महसूस होगा कि मैं क्या कर दिया, पर नहीं मैं किसी को नहीं कहता, अगर किसी को खाना है ना पहलवान बनना, बनो, दोनों चीज़ सही है मेरे ख्याल से। और कोई कहता ना खाना छोड़ना बकवास है, भाई मैं तो जी रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने हूँ, और मैं लॉकडाउन में वेट बढ़ गया तो बताओ, बल्कि कम ही हुआ होगा, और मोटापे से दिक्कत होती है, कैमरा बंद हुआ तो मुझे लगा कि बंद हो गया, यही है। नहीं वैसे आज मेरी मेहनत हो चुकी है, आज पापा का ऑफिस साफ सुथरा करके आया हूँ। दिवाली के बारे में क्या ख्याल है आपको हमें बताइए, क्योंकि मैं पूरा एपिसोड फॉलो कर रहा हूँ, 27 के 27 देख चुका हूँ, आप देखो काफी सही चल रहा है, मेरा फेवरेट भी कोई बना नहीं है, पर बनता है तो मैं इनके व्लॉग में आपको बता दूंगा। भाई मेरा फेवरेट तो बन चुका है और वो है प्रतीक। अरे प्रतीक भाई एक नंबर कर रहा है, प्रतीक जो भी कर रहा है सबसे बढ़िया कर रहा है भाई, तो प्रतीक के लिए जरूर वोट करो। मस्त बंदा, मस्त खेलता है एकदम। हाँ प्रतीक, और नहीं भाई मैं यहाँ पे नहीं नहीं, हम किसी और को प्रमोट नहीं करने आए, हम तीन यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज बता दे, अपन तीनों यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हैं तीनों का, तो इस वक्त तो सीरीज वही चल रही है सबसे बढ़िया जो है, जिसके अंदर सब भुजिया निकाल निकाल के खा रहे हैं, गेम्स जो चल रहा है, स्क्विड गेम्स। मुकुल भैया को हमारे बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने जैसे कि आज का दिन चुना हुआ है खाना खाने का, तो आज मंगा लिया इन्होंने, खा लिया है कढ़ाई पनीर। अच्छा ये मुझे रायता है, मुझे रायता है, अरे भाई राजा भी दिया गरम रायता है। ये नान, या दिस इज अ नान, ये नीम चटनी फॉर द सैलेड एंड दिस अनियन, जो कि प्लेट तो प्लेट लाना भूल गए, 5 साल के जब से इन्होंने रखी थी इनको पता था मलाई कब आएगा, एक दिन उस दिन चखेंगे। हाँ ये मिट्टी है, देश की मिट्टी है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो खाने के बाद मिलते हैं। नहीं पहले खोलते हुए दिखा दो, शक्ल दिखा, ए हे 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 क्या है ये गंदा सा, एक कीमा पनीर, ये पनीर की शक्ल है, कैसा लगा? गाय चलाते हैं इसलिए देखने में तो बहुत बेकार लग रहा भाई साहब, अब राजा जितना बेकार लग रहा है उतना ही स्वादिष्ट होगा। नहीं भाई मत खा, हम खा लेंगे, मैं चखूंगा चार रोटी बस। ये मयंक जी की फरमाइश पे बहुत इन्होंने तारीफ की है इसकी, कि मलाई कोफ्ता तो एक नंबर होता है इनका, तो आज हमने सारा खर्चा मुकुल जी का कराया है, तो खर्चा सारा का सारा इनकी तरफ से पार्टी है, ये पानी का दे दिया, देखिए दूध दूध डाल दिया, कोई नहीं पहले टेस्ट तो कर, एक प्लेट और पड़ी, ये आपने डायलॉग सुना होगा ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे, भाई खीर है, हमने दूध मांगा था तो उसने खीर, सही बताऊँ तो मुझे आते ही लगा था कि रायता दिया उसके घर से, पर ये कहेंगे कोफ्ता तो नेक्स्ट टाइम, एंड दी चम्मच नहीं है बस, एंड दी ज़्यादा नान, ये चार नान हैं तो लग रहे हैं 80 नान है, पर है 4 ही है। साहिल ने देख लिया ये व्लॉग, फिर क्या होगा, वो कहता हमारे घर आता ना साहिल, लेकर एक चीज नहीं बेकार भाई साहब, बहुत बेकार बनाता है, तू व्लॉग में डालियो एकदम, भैया स्वाद तुम्हारा है एकदम, क्या बोलूं मैं, बोल ही नहीं सकता, व्लॉग का स्वाद है बहुत बढ़िया स्वाद है, बोल नहीं सकता, तारीफ इतनी निकल रही है, नाम है लॉस्ट ऑफ फ्लेवर, सही में लॉस्ट था भाई, ये व्लॉग में मेरे नाम से दिखाई हो भाई, मैंने चौमिन खाई, मतलब पहली बार मैंने चौमिन में तेल खाया, वो चौमिन हमने थोड़ी सी खा के उसके बाद से कूड़े डाल दिया, पापा नहीं अगर ये छोटा कर ये कट गया ना भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, दोस्ती दोस्ती टूट जाएगी जी, क्योंकि दोस्ती हो जाएगी फिर दूर की अच्छी और रोटी तंदूर की अच्छी, ये तो क्योंकि हमने मंगाई है, ये तो तंदूर का नान है, रोटी नहीं है, बस रोटी हो जाएगी दूर की, इसलिए हमने रोटी मंगाई नहीं है, रोटी इसलिए नहीं मंगाई, रोटी दरार पैदा कर दिया, आने चाहिए भाई व्लॉग में।